हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी दिखा रहा है गेंस, लगभग 4.5% ऊपर, 1670 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं फॉर दिस मंथ। लास्ट मंथ हमने एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी थी और नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिकवरी भी देखा था बैंक निफ्टी में। हम लगभग 112 पॉइंट गेन के साथ फ्लैट पॉजिटिव बंद हुए थे, मगर यहाँ अच्छी बात ये थी कि हम जो है तो नीचे से अच्छे खासे रिकवर होके बंद हुए हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पे क्लियरली दिखा रहा है कि सपोर्ट लेने के बाद ऊपर के लेवल आने की ज़्यादा संभावना है। तो हमने 32,500 के अराउंड सपोर्ट लिया और ऊपर जो है तो यह 40,500 से लेकर लगभग 41,800 के लेवल जो है तो एज अ रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट। तो उन लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं आने वाले समय में। 40,500 और 41,800 के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है एज पर मंथली चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक हमने जो है तो लगभग 4.7% के गेन देखे थे, लगभग 1650 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे। इस वीक जो है तो हम लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मगर ऊपर के लेवल से हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखी है। तो यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे इतना कुछ बुलिश नहीं दिख रहा है। यहाँ जब तक हम ये जोन क्रॉस नहीं करते, लगभग 39,200 का जोन जब तक क्रॉस नहीं करते बैंक निफ्टी, मुझे नहीं लगता कि हम बुलिश जोन में जा पाएंगे। तो यहाँ 39,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और नीचे जो है तो मुझे लगता है कि फिर से बैंक निफ्टी जो है तो 35,850 और उसके नीचे के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे एक अच्छा खासा सप्लाई फिर से बैंक निफ्टी में आ सकता है। इंडिकेटर वाइज बेरिश लग रहा है मुझे, प्राइस वाइज बुलिश है, मगर जिस तरह से हमने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी तो ये क्लियरली सजेस्ट करता है कि ऊपर के लेवल पे जो है तो यहाँ फिर से जो है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए इन्वेस्टर आ रहे हैं। और यहाँ जो है तो सिर्फ बाइंग जो है तो वैल्यू लेवल पे हो रही है। हम जैसे ऊपर जाते हैं फिर से जो है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है मार्केट में। तो यहाँ मेरा एज पर वीकली चार्ट बैंक निफ्टी पे सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। आपको सेल करना है मगर रेजिस्टेंस के अराउंड, और जो मेजर रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वीकली चार्ट पे वो ये 39,200 का और उसके बाद में जो है तो 40,500 का। तो इन रेजिस्टेंस को आपको देखना है और उसके अराउंड अगर आपको वीकनेस दिखाई देता है मार्केट में तो हम जो है तो शॉर्ट जाएंगे। यहाँ मुझे लगता है कि मार्केट जो है तो एक लॉन्गर टर्म रेंज बाउंड जोन में घुस चुका है। यहाँ हम ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो ऊपर के लेवल पे आपको सेल करना है, नीचे के लेवल पे बाय करना है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि हम ऊपर का लेवल ऑलरेडी रीच कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा बेरिश व्यू रहेगा विद स्टिक स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं डेली चार्ट और शॉर्ट टर्म। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो एक अच्छी खासी शुरुआत की थी, उसके बाद में एक गैप अप ओपनिंग भी देखी थी ऑन HDFC बैंक न्यूज, और वहां से उस तरह से ही हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो यहाँ क्लियरली दिखा रहा है कि ऊपर के लेवल पे जो है तो मार्केट में सप्लाई आ रहा है। यहाँ एज पर डेली चार्ट जो है तो हम ऑलरेडी दो टारगेट अचीव कर चुके हैं। लास्ट जो टारगेट बचा है वो 39,800 का, तो उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट बुलिश लग रहा है इंडिकेटर वाइज प्राइस वाइज दोनों भी, मगर यहाँ अगर आपको लॉन्ग जाना है, आई विल नॉट प्रिफर लॉन्ग और शॉर्ट, वो जो है तो मैं मोस्टली इंट्राडे में देख के डिसाइड करूँगा, क्योंकि मैं पोजिशनली श्योर नहीं हूँ मार्केट पे। वो कभी भी आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है, तो आई विल मोस्टली अवॉइड और वेट एंड वॉच मोड में ही रहूँगा। आई विल नॉट कैरी एनी शॉर्ट और लॉन्ग पोजिशनली। अगर जिनके पास लॉन्ग है उनके लिए सलाह है कि आपको जो है तो स्टॉप लॉस रखना है आपको 37,500 के नीचे, और आपका जो टारगेट बनता है वो पहला टारगेट बनेगा 38,700 का और उसके बाद में 39,800 का। तो इन दो टारगेट के लिए आप लॉन्ग जा सकते हो, मगर आपको 37,500 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ प्राइस वाइज इंडिकेटर वाइज डेली चार्ट पे बुलिश लग रहा है, मगर यहाँ दिक्कत एक है कि यहाँ हमने जो है तो अभी तक पिवट का टच नहीं किया है। आप देख सकते हो कि हम जो है तो गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद में जो है तो वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया और फिर से हमने बाउंस बैक दिया, अभी तक हमने पिवट का टच नहीं किया। तो मुझे लगता है इसलिए आई विल मोस्टली प्रीफर शॉर्ट साइड। ऊपर के लेवल पे मुझे बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं शॉर्ट करना चाहूँगा विद स्टिक स्टॉप लॉस। हो सकता है कि उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए,
मगर मुझे लगता है कि अगर हम डाउन साइड देखेंगे तो यह बहुत ही ओपन डाउन साइड है बैंक निफ्टी के लिए, और अपसाइड जो है तो लिमिटेड लगती है मुझे। और यह बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग के जो है तो वो बाउट्स आते हुए भी देखेंगे हम, क्योंकि न्यूज़ फ्लो जो है तो वो मार्केट को कंट्रोल करेगा। तो आई मोस्टली प्रीफर सेल ऑन राइज व्यू। नीचे जो है तो मैं वेट करूँगा लगभग 36,700 से लेकर 36,200 के लेवल जो है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी पे, जो करंट लेवल से लगभग 1,500 से 2,000 पॉइंट नीचे है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर जिनको बाय करना है, मुझे लगता है कि उनको प्योर या फिर जो 200 डेज का एवरेज है उसके अराउंड ही बाय करना चाहिए। करंट लेवल पे जो बाय करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस, और जिनके पास बाइंग की पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस है 37,500 का। ऑप्शन में कोई ट्रेड नहीं रहेगा मेरा इस हफ्ते, क्योंकि आई विल मोस्टली वेट एंड वॉच मोड में रहूँगा और मोस्टली हमारे इंट्राडे ट्रेड ही रहेंगे। बाकी कोई ट्रेड रहा तो मैं जो डेली एनालिसिस करता हूँ उसमें आपको सजेस्ट कर दूंगा। अभी वीकली में मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड है। अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो आपके लिए सेम सलाह है, आपको फ्यूचर पे स्टॉप लॉस रखना है 37,500 का ऊपर जो है। तो आपका पहला टारगेट रहेगा 38,700 to 38,800 का, और उसके बाद में 39,800 का। तो इन दो टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हो, मगर वो भी स्टॉप लॉस के साथ। इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी भी आपको मार्केट जो है तो गैप डाउन दिखा सकता है, उसके वजह से आपके स्टॉप लॉस जो है तो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस के नीचे भी खुल जाए मार्केट। तो इसलिए आई विल नॉट प्रीफर टू कैरी एनी लॉन्ग और शॉर्ट, मोस्टली जो है तो इंट्राडे में ही जो ट्रेड लेना है वो लेंगे और उसको इंट्राडे में ही क्लोज कर देंगे, या फिर मोस्टली बीटीएसटी। अभी फिलहाल मुझे वीकली चार्ट पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, या फिर डेली चार्ट पे भी, तो इसके वजह से यह कोई डिसीजन नहीं बनता है। मगर जिनको लॉन्ग लेना है उनके लिए स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट किया है। अगर मार्केट 38,800 के अराउंड आता है तो मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा, क्योंकि यहाँ जो है तो डबल टॉप का एक परफेक्ट सीनेरियो बनता है। तो वहाँ जो है तो हम शॉर्ट करने की सोचेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ जो है तो डाउन साइड बहुत ही बड़ा रहेगा उस सीनारियो में। तो मोस्टली आई विल प्रीफर ऑन बेरिश साइड, मगर वो भी रेजिस्टेंस के पास। जैसे मैंने निफ्टी में कहा वैसे मेरा बैंक निफ्टी पे भी वही व्यू रहेगा। आई विल मोस्टली सेल बैंक निफ्टी अराउंड रेजिस्टेंस विद अ स्ट्रिक्ट स्मॉल एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वो भी इंट्राडे में। और जो है तो अगर प्रॉफिट में पोजीशन आती है तो ही उसको कैरी करेंगे। बाकी जो आपकी पोजीशन अगर फ्लैट पॉजिटिव है तो उसको इंट्राडे में ही क्लोज करके फिर अगले दिन नए ट्रेड लेंगे। तो आई विल नॉट कैरी एनी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि मार्केट यहाँ जो है तो मुझे रेंज बाउंड लग रहा है, और हम जो है तो अभी फिलहाल ऊपर की रेंज का अप्रोच कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे लगता है कि डाउन साइड ज़्यादा पॉसिबल है बैंक निफ्टी के लिए, और अपसाइड जो है तो लिमिटेड लगती है मुझे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी श्योर शॉट कॉल चाहिए तो उसकी लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।